एक व्यक्ति ने लिखा कि मेरे पास पैनी स्टॉक की भरमार थी, भरमार, पर आपकी खिड़की में आप ही खड़े मिले होंगे वहां, क्योंकि बाकियों ने ऑनलाइन बुक कर लिया है, ज्यादा भीड़ नहीं मिलती, और हमारे टाइम पे टिकट ही नहीं मिलते थे, कभी कभी ऐसा होता था ब्लैक में टिकट होती थी। अगर शेयर एक 10 रुपए का है, वो अगले दिन 11 का हुआ, फिर अगले दिन 12 का हुआ, अगले दिन 13 का हुआ, 14 का हुआ, 15, ऐसे तो सभी कमा लेंगे। समझ में आए तो करीब 1600 से 2000 करोड़ रुपए के बीच में ये सौदा होगा। ये बहुत बड़ी बात है सर, 1600 से 2000 करोड़ के बीच की जा रही है। कि अगर ये बिजनेस एक तरफ से दूसरी तरफ गया, काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा भी किसका फ़ायदा होने वाला है। देखो सर, कोई काम करे और उसके बाद बहुत सारे काम हैं, अब उस काम के ऊपर उसको अच्छा खासा मुनाफा भी होता है, पर कभी कभी कंपनी की स्थिति नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे ज़ोमैटो की, बात करेंगे पेटीएम की, और बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिस शेयर का नाम है IFCI। इसकी भी आगे की संभावना तलाश करेंगे और देखेंगे कि क्या ये शेयर रखने वाला है या नहीं है। रखने वाले की बात करते हैं ना सर, हम बेचने खरीदने वाले की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जिस तरीके से कोई कंपनी कोई काम कर रही है और उसके बाद बहुत सारे काम हैं, अब उस काम के ऊपर उसको अच्छा खासा मुनाफा भी होता है, पर कभी कभी कंपनी की स्थितियां डगमगा जाती है, तो वो फिर कुछ अपने कारोबार को बेच देती है। तो जो कंपनी पहले किसी कारोबार को कर रही है तो वो अपने कारोबार को किसी और को बेचेगी, तो इसमें किसका फ़ायदा होने वाला है, इसकी आज पूरी रूपरेखा आज हम पेटीएम और ज़ोमैटो के हिसाब किताब से समझेंगे, है ना। तो इन सारी विधियों के आज हम ज़ोमैटो और पेटीएम की विधियों को समझेंगे। देखो सर, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसके अंदर ज़ोमैटो जो है पेटीएम का मूवी जो टिकट होते हैं ना इस तरीके के, या इवेंट टिकट जो लाइव इवेंट होते हैं उसके टिकट का जो कारोबार था पेटीएम का, उसके लिए ज़ोमैटो बातचीत कर रहा है, एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है। यहाँ पर ये चीज़ देखी जा रही है कि अगर ये बिजनेस एक तरफ से दूसरी तरफ गया, काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा भी किसका फ़ायदा होने वाला है। देखो सर, मुझे ये लगता है कि अगर ज़ोमैटो ये सारी चीज़ें कर लेता है तो इसके अंदर ज़ोमैटो का फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़ोमैटो जो एक फूड डिलीवरी कंपनी है और वो ब्लिंकिट के साथ भी राशन का वितरण यानी उस तरीके के कारोबार में भी लगी हुई है, अगर वो टिकट के कारोबार में भी लग जाए और जो लाइव इवेंट होते हैं उसके भी टिकट के कारोबार उसके प्लेटफॉर्म से बिकें, तो एक चीज़ में दो फायदे हो सकते हैं। कैसे, कभी मूवी हम जाते हैं सर, हमने अगर पेटीएम, मैंने पेटीएम से भी बुक कराया अपना मूवी, जब मैं कभी देखता हूँ तो वहाँ पर हमें अंदर कैंटीन मिलती है, पर पेटीएम क्या करता है, मूवी दे देता है, भाई टिकट दे दिया हमने फिल्म देख ली। क्या ज़ोमैटो जो पहले से खाद्य यानी खाने के चीज़ों में लगा हुआ है, क्या वो फिर पिक्चर हॉल के अंदर अपने ऑफर नहीं निकाल देगा कि भैया अगर इस टिकट में आपको ये फ्री या ये डिस्काउंट, मैं खुद आपको ये बता रहा हूँ, ये कोई लिखा हुआ नहीं आ रहा है, पर हमारी जो तलाश है आगे की दूरी तक करने के लिए है। अगर ज़ोमैटो के पास पेटीएम का ये व्यवसाय आता है, भैया अभी बातचीत चल रही है, पर अगर पेटीएम और ज़ोमैटो से ये चीज़ों में पूछा गया तो दोनों ने अभी कोई प्रतिक्रिया इसके अंदर नहीं दी है। यही तो एक न्यूज़ होती है जो निकल कर हमारे सामने आ जाती है, फिर उसकी संभावना तलाश की जाती है। पेटीएम का अगर मैं आपको बताऊं तो पेटीएम वैसे ही आजकल बड़ी ही समस्याओं में गिरा हुआ है, और वो अपने फिर से बिजनेस को ऊपर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो इस तरीके के मूवी टिकट्स, लाइव इवेंट, तो कम जरूरी व्यवसाय है उसको या तो विलय कर रहा है या कुछ अलग तरीके से बेचने की भी सोच रहा होगा, क्योंकि तभी ये न्यूज़ निकल कर आई है। आपको पता है कि पेटीएम जो है भुगतान और वित्तीय सेवा के साथ साथ टिकट बुकिंग की भी चीज़ों के साथ है, और यहाँ पर अगर वो अपने व्यवसाय को ये अलग कर रहा है जो कम जरूरी हैं व्यवसाय हैं, तो वो सारा का सारा ध्यान केंद्रित किस पे करेगा,
अपने भुगतान और वित्तीय सेवाएं जो करता है उस पर वो भुगतान करेगा, और वो खोया हुआ आधार अपना वापस पाने के लिए पेटीएम जो है इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। अगर सूत्रों के अनुसार से चीज़ें समझ में आए तो करीब 1600 से 2000 करोड़ रुपए के बीच में ये सौदा होगा। ये बहुत बड़ी बात है सर, 1600 से 2000 करोड़ के बीच में, और जोमैटो का इसके अंदर आ रहा है नाम। फिलहाल जो न्यूज है, न्यूज बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छे चैनल पर है ये न्यूज, तो यहाँ से जोमैटो ज़्यादा उभरता हुआ दिखेगा क्योंकि पहले ही वो खाने की डिलीवरी करता है और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें उससे हम कुछ करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिलता है। और अगर उसके पास मूवी टिकट की चीज़ें आ गई तो इससे फ़ायदा जोमैटो का मुझे दिख रहा है। सर आपको कैसा दिख रहा है आप एक बार मुझे ये बता देना, है ना। अभी जोमैटो का शेयर 186 रुपये करीब का चल रहा है और 3 दिन बाद मार्केट आपको पता है खुल रही है, तेज़ी में खुलेगी, गिरावट में खुलेगी। वैसे तो मेरा तो मानना है सर कि इस साल तो अपने सिर्फ प्रॉफिट के अंदर अपना ध्यान रखना चाहिए अगर हमें आता हो तो, कि भैया आगे आगे हमने ख़रीदा, प्रॉफिट आता गया, बुक करते गए। मैं ये अब सोच रहा हूँ क्योंकि आगे अलग अलग कहानियाँ हमारे सामने भी उपस्थित हो सकती है। ये जो शेयर मार्केट है ना, ये सुचारू रूप से चलने वाली चीज़ नहीं है। अगर सुचारू रूप से चीज़ें चलने वाली होती तो सबके हाथों में पैसा होता। सोच कर देखो कि अगर शेयर 10 रुपये का है, वो अगले दिन 11 का हुआ, फिर अगले दिन 12 का हुआ, अगले दिन 13 का हुआ, 14 का हुआ, 15, ऐसे तो सभी कमा लेंगे भैया। 10 वाला 12 में बेचेगा, फिर वो बैठ जाएगा, ये तो 14 में चला गया, फिर वो 14 में खरीदेगा, फिर वो 16 में चला जाएगा, वहाँ प्रॉफिट बुक करेगा, इस तरह 20 में फिर खरीदेगा, फिर 22 में प्रॉफिट बुक करेगा। ऐसे तो वो खरीदते बेचते तो सबको पैसा आएगा। सोच कर देखो कि अगर सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो शेयर तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगा। दूसरा, सबके पास पैसे आ जाएंगे। पर ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ हमें दिखती है, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें अच्छी हैं। जो चीज़ छुपती है उसे ही हमें पकड़ना पड़ता है। तो कभी भी कोई सा भी अच्छे से अच्छा शेयर हो, ये मत सोचना कि भैया वो भागेगा ही। उतार चढ़ाव में ही प्रॉफिट बुकिंग होती है, उतार चढ़ाव में ही एंट्रियाँ होती हैं, उतार चढ़ाव में ही एग्जिट होती है, उतार चढ़ाव में ही लॉस और प्रॉफिट बुक किए जाते हैं। तो ये मत समझना कि हर एक शेयर बस सुचारू। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, जो ऑनलाइन वाली कमाई वाली चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि मतलब कि कमाई कह रहा हूँ कि बिजनेस वाली चीज़ें हैं, ये आगे बहुत ज़्यादा चलने वाली है। भैया सबके घर पर मोबाइल है, सब सहूलियत ढूंढते हैं। टिकट पहले जहाँ लाइन में लगना पड़ता था, भैया अब क्या लाइन में लगना पड़ता है? अभी आप टिकट लेने कहीं जाओ तो आपकी खिड़की में आप ही खड़े मिलेंगे वहाँ, क्योंकि बाकियों ने ऑनलाइन बुक कर लिया है। ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती, और हमारे टाइम पे टिकट ही नहीं मिलते थे। कभी कभी ऐसा होता था, ब्लैक में टिकट होती थी उस टाइम। ये पुराने लोगों को पता होगा, अब नए लोगों को शायद पता ना हो, ब्लैक में टिकट मिलती। अब क्या है, अब तो ऐप के द्वारा टिकट खरीदी जाती है। तो इस तरीके का बिजनेस इसलिए पेटीएम अलग करना चाह रहा है ताकि वो अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा भुगतान और वित्तीय सेवाओं में लगाए। आपको पता है कि पेटीएम बहुत ज़्यादा गिर गया है, और गिरने की वजह आपको सबको पता है कि जो इसके पास चीज़ें थी पेटीएम बैंक वाली, है ना, वो सारी की सारी चीज़ों में ये उलझा पड़ा था। अब वो बिजनेस इसका यस बैंक के पास भी गया, और यस बैंक कह रहा हमारा थोड़ा सा इससे कस्टमर बेस भी बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं अब पेटीएम कम जरूरी वाली चीज़ों को हटा रहा है। देखो सर, ये जो न्यूज़ निकल कर आती है, ये तो अपनी तरफ से तो हम बना नहीं रहे हैं, पर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसकी साइकोलॉजी हम बना रहे हैं। सोच कर देखो कि आपने टिकट बुक जोमैटो के ऐप से करा, अगर उसने वहीं पर ही पॉपकॉर्न या पेटीज या कोल्ड ड्रिंक या फिर कॉम्बो पैक जो आते हैं उसके अंदर उसने स्कीम लगा दी, तो क्या होगा, टिकट भी ज़्यादा बिकेंगे और वहाँ पर जो अंदर कैंटीन होगी वो भी चलेगी, और उसकी कमीशन जोमैटो के पास आएगी। मुझे यहाँ से ज़्यादा जोमैटो इससे पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि जोमैटो ने अपने खाद्य कार्यक्रम यानी जो खाने का उसका काम है उसमें मूवी के टिकट और लाइव इवेंट को वो अपने साथ जोड़ेगा, अगर ये बात सत्य है या होती है तो वो एक व्यवसाय जुड़ रहा है। और दूसरा, पेटीएम अगर इस तरीके से कम जरूरी वाला व्यवसाय हटाएगा तो उसके अंदर से उसकी वो चीज़ें हट रही हैं। वैसे पेटीएम कह रहा है भैया वो अपना खर्चा कम करेगा और कर्मचारी खर्चे भी वो कम करने जा रहा है, और करीब 400 से 500 करोड़ रुपए उसको सालाना बचत होगी। तो बचत पर लग गया है पेटीएम।
पर पेटीएम का ये बिजनेस अगर जोमैटो के पास गया, जोमैटो यहाँ से खाने के साथ साथ टिकट बुक करते हुए, यानी जोमैटो अपना आधार बढ़ा रहा है। भैया मेरी वीडियो अलग ढंग की है, जिसको समझ में आ रही है वो जरूर माइंड रखता है, और जिसको समझ में नहीं आ रही है वो जरूर निगेटिव कमेंट करेगा क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आई है। सर किसी की वेशभूषा में मत जाओ, किसी की शक्ल पर मत जाओ, आपको समझना है कि कौन आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, या उन अच्छी बातों से क्या आपके अंदर कुछ विकास हो रहा है। मेरे पास जब ये कमेंट आते हैं कि हम पहले पेन स्टॉक पर थे पर अब नहीं है, तो इससे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई है क्योंकि कुछ लोग पहने से हटकर मेरी वीडियो देखकर अच्छे शेयरों पर आए हैं। एक व्यक्ति ने लिखा कि मेरे पास पैनी स्टॉक की भरमार थी, भरमार, पर अब नहीं है, अब उन्होंने कम कर दी है। इससे कितनी खुशी मिली। कॉल आती है रात को, आज से कॉल उठाना शुरू करूंगा सर, क्योंकि 3 दिन तो बंद था, 11 बजे से स्टार्ट करूंगा। तो कॉल जब मेरे पास आती है, कुछ लोग कहते हैं सर हमने पेन स्टॉक से कमाया तो है, पर कुछ पेन स्टॉक ने हमें बर्बाद भी किया है, इस तरीके की भी कॉल आती हैं। तो जहां चीज़ों को हमें समझ में आए उस चैनल पर आप जाइए। जो बुरे व्यक्ति हैं उनको मेरी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, भैया दूसरे चैनल पर जाइए। बहुत सिंपल चीज़ है, पर हमें एक अच्छा इंसान बनना है, और अच्छा इंसान बनने के साथ साथ शेयर मार्केट में काम करना है। और शेयर मार्केट में शेयरों को ख़रीदने से पहले न्यूज आती है, उसकी साइकोलॉजी को समझना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ पर वर्क करना है कि जो कंपनी अपनी अच्छी स्थितियों के साथ अपने व्यवसाय में कुछ चीज़ मिला रही है, पर जो कंपनी प्रॉब्लम में घिरकर अपने व्यवसाय को बेच रही है, तो इससे जो पैसा आएगा उससे वो अपनी पुरानी चीज़ों को ही सही करेगा, जोड़ेगा नहीं, वो सही करेगा उसे। पर जो कंपनी पैसा देकर व्यवसाय ले रही है, तो कंटिन्यू उसमें वो उसके रेवेन्यू बढ़ेंगे उससे, क्योंकि उसके साथ उसकी कुछ प्लेटफॉर्म से चीज़ें बिकेगी। बहुत सिंपल तरीकों से मैंने समझाया, किस किस को समझ में आया एक बार मुझे बता देना। तो यहाँ से जोमैटो ने बाजी मारी, पेटीएम थोड़ा सा अपने व्यवसाय को अगर कम करेगा। देखो सर ये न्यूज है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा पूरी न्यूज आएगी तब उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये अच्छे चैनल पर थी इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। अब बात करेंगे IFCI पर। देखो सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये शेयर काफ़ी नीचे से एक साल में काफ़ी ऊपर आपको मिल रहा है, और उसकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं कि एक ये सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जिसके अंदर सरकार आगे की मंशा अच्छी देख रही है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपने चीज़ों के साथ कैबिनेट की जो पहली मीटिंग थी उसमें हमें सुनने को मिला कि कई करोड़ जो घर बनेंगे, पर उसके लिए पैसों की चीज़ें, अलग अलग चीज़ों की चीज़ें, तो उससे काफ़ी शेयरों के अंदर, खासकर सरकारी शेयरों के अंदर भी अच्छे संकेत आपको मिल सकते हैं, जिसमें IFCI और आपका NBCC और हुडको जैसी कंपनियां कुछ योगदान इस तरीके के हमारे देश के प्रधानमंत्री के उज्जवल जो विकास के लिए वो चीज़ें देख रहे हैं देश के लिए, वहाँ ये योगदान करेंगे, तभी इन कंपनियों के वजूद सरकार की नीतियों के साथ ही बढ़े हैं। क्योंकि ये पहले कंपनी इतनी जानी मानी तो थी, पर इतने इनके अंदर ग्रोथ नहीं आई थी, पर जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सरकारी कंपनियों का विकास की चीज़ें देखी, तो वहाँ पर सारी कंपनियाँ आपको उछलती उछलती मिली हैं। तो ये आपको समझना है कि ये विकास के साथ जुड़ने वाला एक शेयर है। देखो सर ये गैर वित्तीय कंपनी है, यानी कि NBCC, ये एक शेयर है जो औद्योगिक क्षेत्र में दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यानी कि फाइनेंस वाली कंपनी होगी जो औद्योगिक क्षेत्र की कई चीज़ों के साथ, जैसे रियल इस्टेट हो गया, निर्माण हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, और अन्य इस तरीके के उद्योग हो गए, उनको ये पैसा देता है दीर्घकालीन के लिए, यानी कि लंबे समय के लिए पैसा देता है। तो ये शेयर रखने वाला हो सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की चीज़ें नहीं करता, लंबे समय के व्यवसायों के लिए ये पैसा देता है, औद्योगिक क्षेत्र पर देता है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखें तो करीब 16,933 करोड़ का मार्केट कैप है,
दूसरा अगर हम कंपनी की हाई अगर हम देखें तो 71.80 रुपए का हाई है, और लो कंपनी का अगर आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, कंपनी का लो जो था 11.40 रुपए का। तो 11 रुपए से शेयर आपको आज 64 रुपए करीब का मिल रहा है, यानी कि 71 का तो हाई था पर ये शेयर अभी 64 रुपए करीब का है, तो शेयर अभी काफ़ी ऊपर है, ये भी आप समझ कर चलना है ना। फाइनेंस के शेयर सर जो इस तरीके के होते हैं उस पर थोड़ा लंबे समय का व्यू बनाकर हमें चलना चाहिए, है ना। हो सकता है ये शेयर यहाँ से भी ऊपर जाए क्योंकि जो भी सरकार की रणनीतियाँ आगे की तरफ आएंगी या बजट में कुछ और चीज़ें आएंगी तो इन शेयरों को इफ़ेक्ट पड़ सकता है। दूसरा अगर हम इसकी मार्च 2023 की सेल्स देखें तो 414 करोड़ की सेल्स और करीब 241 करोड़ का कंपनी का लॉस था। मार्च 2024 में कंपनी ने 605 करोड़ का कंपनी ने सेल्स कर दी और का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। देखो सर, कंपनी की जो सेल्स है ना कंटिन्यू ग्रोथ की तरफ नहीं है, कभी 600 कर दी, करीब बता रहा हूँ, कभी 400 करोड़ कर दी, कभी 300 करोड़ कर दी, फिर 600 करोड़ कर दी, फिर 500, इस तरीके की सेल्स है। जब इस तरीके की सेल्स होती है जो कंटिन्यू, जैसे आज हमने 100 करोड़ की सेल्स करी, अगले बार चलो 101 करोड़ की होगी, 110 करोड़ की होगी या उससे कम हुई, तो वो एक ग्रोथ की तरफ आती है ना। ऐसे नहीं कि भाई एक बार हमने 600 की कर दी, दूसरे बार 300 की सेल्स कर दी, फिर 600 की कर दी, फिर 400 की, तो थोड़ा डगमगा रही है स्थिति इसकी। पर इसमें फिर भी लंबे समय के लिए अगर हम बैठते हैं तो कुछ ना कुछ इस कंपनी का भी भला हो सकता है क्योंकि सरकार इसके अंदर बड़ा स्टेक लेकर बैठी है। आगे अगर हम देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो, देखो जब कंपनी इतना प्रॉफिट कर रही है पर उसके बावजूद भी, या काम कर रही है उसके बावजूद भी कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई कुछ ज़्यादा नहीं जोड़ रही है। इस बार मार्च 2024 में भी कंपनी ने करीब 12 करोड़ ऐड किए हैं सिर्फ। मार्च 2023 में कंपनी ने करीब माइनस में 336 करोड़ था, उससे पहले भी माइनस ही था, तो इसका कैश फ्लो ज़्यादा बेस्ट मुझे नहीं देखने को लग रहा है। दूसरा अगर इसके हम प्रमोटर की बात करें तो कंपनी के अंदर जो प्रमोटर हैं राष्ट्रपति हैं सरकार है जो कर 71.72% के हैं, FIs कंपनी के अंदर करीब 2.31% के हैं, DIs कंपनी के अंदर करीब 1.94% के हैं, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 3.70% के और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 20.33% के हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर प्रमोटर यानी कि सरकार है। तो सर अप्रैल में, अभी अगर हम इसका अप्रैल का डाटा, ये जो मैंने बताया है इसकी अगर हम छानबीन करें तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि 500 करोड़ रुपए का निवेश IFCI के शेयर आवंटित के सदस्यता में करीब 500 करोड़ रुपए का निवेश किया और इसके बावजूद अब सरकार की जो हिस्सेदारी 71.72% की हो गई है जो इससे पहले 70.32% की थी, यानी कि सरकार इसके अंदर और पैसा डालकर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। ये थोड़ा सा अचंभित है, थोड़ा सा यहाँ से पॉजिटिव ये मुझे लग रहा है। दूसरा अगर हम एक चीज़ बात और करें, देखो सर सरकार जिस तरीके से उद्योगों के लिए PLI स्कीम की चीज़ें लाती है, करती है ताकि उद्योग अच्छे से ग्रोथ करे, तो उसके लिए भी ये कंपनी IFCI जो है वर्क करता है और इस तरीके की निगरानी और इस तरीके की एजेंसी के रूप में ये वर्क करता है, तो यहाँ से भी बेस्ट है। दूसरा सरकार जिस तरीके से चाह रही थी भाई इलेक्ट्रिक वाहन जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बिक्री हो, उसके अंदर अच्छी अच्छी बढ़त हो, तो वहाँ पर भी ये एक एजेंसी के रूप में वर्क करता है जहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाने के लिए सत्यापन और निगरानी करने वाली एक एजेंसी है। ये दो पॉजिटिव न्यूज़ इसके अंदर मुझे बहुत बेस्ट लग रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की चीज़ों को बढ़ाने के लिए। दूसरा, जो भी सरकार द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा जो भी स्कीम निकाली जाती है उद्योग में अच्छा करने के लिए, जैसे PLI स्कीम आपने सुना भी होगा, तो उसकी भी एजेंसी है, तो यहाँ से भी मुझे एक शेयर बहुत बेस्ट लग रहा है। पर फिर बता रहा हूँ लंबे समय के लिए। देखो सर, मैंने आपकी इसको निगेटिव पॉजिटिव चीज़ें दोनों बताती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उसको खरीदना है बेचना है, ये जो अध्ययन मैंने आपको बताया है इसको थोड़ा सा सोचना है। एक तो सरकार ने 500 करोड़ रुपए का इसके अंदर आबंटन वाली चीज़ों के साथ इसके सदस्यता ली जिसके अंदर से इनकी हिस्सेदारी बढ़ गई, क्योंकि शेयर आबंटित वाली चीज़ों में किया था इन्होंने, वहाँ से सरकार ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया, पॉजिटिव संकेत। दूसरा, अगर उद्योगों के लिए PLI स्कीम की चीज़ों के आती है कुछ जो होती है केंद्र सरकार जो करती है उसके अंदर ये एक एजेंसी बनकर बैठा है।
तीसरा इलेक्ट्रिक वाहनों की विकास या उसके आगे बढ़ाने के लिए सत्यापन और निगरानी के लिए, तेजी से निगरानी और सत्यापन करने के लिए उसमें भी एजेंसी के रूप में बैठा है IFCI। और दूसरा उद्योगों के क्षेत्र पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है और वो दीर्घकालीन के लिए करता है। तो मेरे हिसाब से ये शेयर और कुछ क्वार्टर देखने के बाद, क्योंकि सेल्स ऊपर डगमगा रही है और जैसे ही सुचारू रूप से कंपनी आगे चलती है, वैसे मैं बताऊं सरकार की रणनीति इस शेयर के साथ कुछ अलग ही होगी। तभी एक तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, दूसरा अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ है, और अगर आगे मोदी सरकार कुछ ग्रोथ की चीज़ें करती हैं फिर वहाँ गवर्नमेंट कंपनी को फ़ायदा ही होना है। तो किसी ने कल कहा सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, आज कैसी लगी इसकी वीडियो आप मुझे बता देना, एक दो तो सर नेगेटिव बताएंगे बताएंगे। जोमैटो अगर इस तरीके से पेटीएम का बिजनेस लेगा तो जोमैटो का मुझे इसके अंदर बेनिफिट लग रहा है। पेटीएम अगर अपनी चीज़ों को, कम जरूरी चीज़ों को, व्यवसाय को हटा रहा है तो यानी कि वो अपना ध्यान केंद्रित किस में करेगा, भुगतान और वित्तीय सेवाओं में करेगा। तो उसे लाजमी इस चीज़ में सेवा में अपना काम करना चाहिए ताकि वो एक तरफ से तो मजबूत हो। तो इसके अंदर वैसे ही पेटीएम निगेटिव नहीं हो रहा है, पर मैं एक चीज़ बताई कि व्यवसाय दूसरी तरफ गया है तो पेटीएम भी सही है। आप ये समझना ना कि आप सोचो कि पेटीएम खराब बता दी, मैंने व्यवसाय की चीज़ें आपको बताई है। तो सर आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे बता देना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ समझ कर देखिए। किसी को भी शेयरों को खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर नहीं है। तीनों शेयरों के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है समझाने के ऊपर बनाई है, न्यूज आई है इसलिए बनाई है, और IFC हमने इसके फंडामेंटल्स के अलग अलग तरीकों से मैंने चीज़ें आपको बताई है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।